कुंवर रुद्र प्रताप सिंह का बड़ा भतीजा रतन सिंह अब उनका वारिस बनकर धवलगढ़ पर राज करने वाला था। लेकिन कहते हैं ना, सिर पर लगाए ताज में हीरे जवाहरात के साथ साथ खतरा भी जड़ा होता है। रतन सिंह के सर पर खतरा नहीं, मौत का साया था। कौन है? मेरा वारिस आएगा। रतन, अंबिका, रतन, 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 इस स्मेल में चुड़ैल है जो कहती है कि उसका बेटा तुम्हें मार डालेगा क्योंकि तुमने उससे उसका हक छीना है। चुड़ैल, वो दिखने में कैसी थी? वो उसका उसके हाथ बहुत लंबे लंबे थे, उसके नाखून नाखून उसके बहुत बड़े बड़े, उसके पैर पैर टेढ़े मेढ़े थे और उसका चेहरा बहुत ही डरावना था। अपनी मौत से तू नहीं भाग सकता रतन सिंह, मेरे बेटे का हक छीनकर तूने बहुत बड़ी गलती की है। ताऊसा, वो बचा लीजिए ताऊसा, ताऊसा, वो मुझे मार देगी ताऊसा, वो मुझे मार देगी ताऊसा। कौन रतन? वो चुड़ैल, ताऊसा, वो कहती है कि इस रियासत का असली वारिस उसका बेटा है, मैं नहीं। ताऊसा, सही तो कहती है। खम्मा घणी देवी अंकल। खड़ी खम्बा बेटी। क्या हुआ मैखला आंटी, सब लोग इतने घबराए हुए से क्यों हैं? क्या हुआ रतन? कुछ नहीं कुछ नहीं बेटा, बैठो 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 बेटा, आओ बेटा। अब वही कल रात का सपना, वो चुड़ैल और उसका बेटा। देवी, रतन को इस रियासत का वारिस बनाकर मैंने इसकी जान भी खतरे में डाल दी। नहीं 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 भाई साहब, एक सपने को लेकर आप लोग फालतू में चिंता कर रहे हैं। लेकिन पापा, उस रात के बाद से हर रात सपने में वो रतन बेटा वो सब इस महल के किस्से कहानियों का असर है तुम्हारे दिमाग पर और कुछ नहीं है बेटा। मेरा मन कहता है कि हमें सोमाचार्य जी से एक शांति पूजा करवानी चाहिए। क्या पता आज भी उस चुड़ैल की आत्मा इस हवेली पे। नहीं छोटी रानी साहब, अब उस चुड़ैल और उनके कबीले से हमें कोई खतरा नहीं। सालों पहले सोमाचार्य ने मेरी आंखों के सामने उन सब को खत्म कर दिया। हेलो, उस आग में मेरा
उसका बेटा भी? जी हुकुम, कोई भी नहीं बचा। हाँ फिर बड़े भाई साहब, चिंता को गड्ढे में डालिए और जश्न मनाइए। सालों बाद इस महल में खुशी का मौका आया। अब अंबिका और रतन साथ में पले बड़े हैं, घर से ज्यादा समय इसका यहां कटता है। मेखला और मैंने सोचा है अगर आप कहें तो इन दोनों की सगाई करा देते हैं। अरे देवी क्यों नहीं, रतन की खुशी में मेरी खुशी है, रतन मेरे बेटे जैसा है। लेकिन साहब, भैरव सिंह ने रुद्र प्रताप सिंह से झूठ क्यों बोला कि रेशमा के साथ उसका बेटा भी मर चुका था? ताकि धवलगढ़ में कोई भी इस डर में ना जी, वरना इस डर से जिंदगी आगे नहीं बढ़ती। लेकिन अब सोचता हूं कि काश उसने सब कुछ सच बताया होता, वरना उस दिन अंबिका के साथ रतन धवलगढ़ के जंगलों में ना जाता। लगता है आप हमारी शादी की बात से खुश नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको मुझसे भी डर लगता है? हर समझदार पति को अपने पत्नी से थोड़ा बहुत डर तो जरूर लगता है, भले ही वो होने वाली पत्नी क्यों ना। रतन, मैं सीरियसली पूछ रही हूँ, आप खुश तो हैं ना? अंबिका, तुम मेरे साथ हो ना तो मैं खुश हूं। पता नहीं, शायद कोई जानवर था, मैं भी ठीक से देख नहीं पाई। क्या हुआ? पता नहीं, शायद झटके की वजह से बैटरी का वायर निकल गया होगा। ओह, मैं भी देखता हूँ। जो सोचा था वही हुआ है, बस 2 मिनट लगेगा अंबिका। हाँ हाँ, अंबिका,
रतन 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 उठो रतन उठो ना रतन कोई है बेटा रतन बेटा इसका तात्पर्य यह कि उस डायन की कहानी हमसे समाप्त नहीं हुई। उसका उसका बेटा सिद्धाचार्य जी, किसी ने देखा उसे? वर्ष पहले हमसे जो भूल हुई थी उसे मिटाना होगा। जी सोमाचारी, शीघ्र अति शीघ्र प्रक्रिया आरंभ करो। साहब ये तो बहुत बुरा हुआ, मतलब अब धवलगढ़ का जो भी नया वारिस बनता उसकी तन खतरे में थी। हाँ बिरजू, यही नहीं, रतन की मौत ने रुद्र प्रताप की हिम्मत और सेहत दोनों को छीन ली और पूरे राजघराने को एक नए संकट में डाल दिया था। बस इसका एक ही समाधान था। नहीं आचार्य जी, रतन को खो देने के बाद अब मैं वीर की जान खतरे में नहीं डाल सकता। तुम समझ नहीं रहे हो रुद्र, तुम चाहे कुछ करो या ना करो, उस दानव का अगला शिकार वीर ही होगा, क्योंकि वीर ही धवलगढ़ का अगला वारिस है।